नकुल के बारे में आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने कुछ बोला है क्या एजे या रोनी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया शायद मेरे को उनके बारे में कुछ सुनने में आया नहीं है द गाय हु अब्यूज मी और सेट समथिंग अबाउट मी वॉटर इट इज़ नॉट समथिंग आई एम ऑन माई ओन बट एनी ऑल द ओल्ड गाइज और द पीपल हु प्लेड पेड कस्टम्स और वॉट एवर एक्सेट्रा बहुत लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं मानने के बारे में बहुत लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं ठीक है जो मेरे पास भी स्टोरीज में भी टैग होता है मेरे को डीएम्स भी आते हैं कि ये मेरा एक स्ट्रीम में था ये पेड कस्टम में भी हैक करता था ये वो है ये वो है तो मान्या के बारे में सस्पेशन है बहुत लोगों को अभी भी राइट तो मैं ऋषि के भाई के साथ भी जब मैं बात करता था मैं वही हमेशा बोलता था कि ब्रो मान्या के बारे में और मैं स्ट्रीम पे भी यही बोला कि मान्या के बारे में सस्पेशन है तो जस्ट कीप अ वॉच ऑन हिम जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ हिम ये हमारे चैट में भी है आई डोंट थिंक मैंने मैंने बोला है क्या अगर मैंने बोला होगा तो सॉरी बट मेरे को याद है क्या ऐसा कुछ आई डोंट थिंक मैंने ऐसा बोला है तो सॉरी um, तो मैं इतना गुस्सा नहीं हूँ जितना आप लोगों को लगता है मैं होना चाहिए uh, गुस्सा नहीं हूँ मैं गुस्सा किसने ने लिखा गुस्सा तो हो गुस्सा नहीं हूँ मैं मैं आई एम जस्ट आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड इन द वे ही थिंग्स बिकॉज आई डों बट मतलब अगर वो मेरे को जेन्युनली हेट करता है तो हेट करते मेरे को लर्न फर्क नहीं पड़ता मेरे को वो प्लेयर के बारे में लर्न फर्क नहीं पड़ता मैं अभी एक जेनुअन और एक जेन्यू बात बात मेरे को लर्न फर्क नहीं पड़ता आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट एन दैट और इतना पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं ना तब ये सारे प्लेयर्स मतलब उनकी मम्मिया चड्डी खरीदती थी, थी इनके लिए तब से हम एक दूसरे को जानते हैं